स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी एंड द स्टोरी नेम इज बिली एंड जैक। बिली द फॉक्स एंड जैक द वुल्फ वर इनवाइटेड टू ए डिनर पार्टी। एक लोमड़ी थी जिसका नाम था बिली और एक भेड़िया था जिसका नाम था जैक। दोनों पार्टी के लिए इनवाइट किए गए थे। ऑन द वे दे स्टॉप्ड फॉर ए व्हाइल। रास्ते में वो लोग थोड़ी देर रुके। जैक वॉज वेरी लेजी। जैक जो था वो बहुत आलसी था। ही सेड बिली द वेदर इज प्लीजेंट। और जैक जो है बिली से बोला कि मौसम बहुत सुहावनी है। लेट्स रेस्ट फॉर सम मोर टाइम। इसलिए हमें थोड़ी देर और आराम करना चाहिए। बिली हु वॉज ऑलवेज वेरी पंक्चुअल सेड जैक। बिली जो थी वो हमेशा पंक्चुअल रहती थी। वो जैक से बोली इफ वी रेस्ट फॉर सम मोर टाइम वी विल बी लेट। बिली जो है जैक से बोली कि अगर हम लोग कुछ और देर आराम करते हैं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। सो लेट्स मूव। इसीलिए हमें अभी चलना चाहिए। जैक वांटेड टू टेक मोर रेस्ट। लेकिन जो जैक था वो और आराम करना चाहता था। सो बिली लेफ्ट हिम एंड प्रोसीडेड टुवर्ड्स द वेन्यू। इसलिए बिली उसे छोड़कर आगे की ओर बढ़ गई। एक कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। ठंडी हवा चल रही थी। सुन जैक वॉज फास्ट अस्लीप लाइंग अंडर ए ट्री। और जल्द ही जो है जैक जो है ट्री के नीचे सो गया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स व्हेन जैक वोक अप ही रियलाइज्ड दैट ही हैड स्लेप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे ही जैक जो है जगा उसे एहसास हुआ कि वो लंबे समय तक सो गया है। ही रश्ड टुवर्ड्स द वेन्यू और वो स्थल की ओर दौड़कर भागा। व्हेन ही रीच्ड देयर ही फाउंड दैट द पार्टी वॉज ओवर। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो क्या हुआ कि वो पार्टी जो है खत्म हो चुकी थी। ही वॉज टू लेट और वो बहुत लेट हो चुका था। ही मिस्ड मैनी थिंग्स बिकॉज ही वॉज नॉट पंक्चुअल और वो बहुत सारी चीजों को मिस कर दिया क्योंकि वो पंक्चुअल नहीं था। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज वन शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल। इंसान को हमेशा पंक्चुअल रहनी चाहिए।